तो दोस्तों मुझे पता है कि आप लोग Realme के 9 सीरीज का बहुत ही बेसब्री से वेट कर रहे हो, तो फाइनली यहाँ पर आपका वेट बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है क्योंकि Realme 9 Pro Plus को NBTC सर्टिफिकेशन के ऊपर लिस्ट किया गया है और यहाँ पर जो मॉडल नंबर निकल कर सामने आया है वो है RMX 3393, जो कि आपको Realme 9 Pro Plus का देखने को मिलेगा। उसके अलावा Realme के 9 सीरीज के अंदर इस बार आपको दो नहीं बल्कि चार डिवाइस देखने को मिलेंगे। Realme 9i एक और स्मार्टफोन होगा जो कि Realme 9 Pro Plus के साथ आपको इंडिया के अंदर देखने को मिलने वाला है, बट यहाँ पर जो Realme 9 और 9 Pro होने वाला है उसके बारे में अभी तक कोई भी नई लीक्स निकल कर सामने नहीं आई है। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि Realme 9 Pro Plus जो है वो 2022 का वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन होने वाला है क्योंकि यहाँ पर Realme 9 Pro Plus के अंदर Qualcomm Snapdragon 800 सीरीज का पावरफुल चिपसेट देखने को मिलेगा, ऐसी लीक्स निकल कर सामने आ रही है। तो सारे डिटेल मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं, तो वीडियो में एंड तक बने रहे। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी एज ऑलवेज, प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें ताकि हम आपके लिए फ्यूचर में और बेहतर से बेहतर वीडियो बना सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस डिवाइस के परफॉर्मेंस के बारे में। तो यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है वो आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा जो कि अभी से पहले हमें Realme के किसी भी स्मार्टफोन में देखने को नहीं मिला था। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर इस डिवाइस की जो प्राइसिंग है वो काफी अग्रेसिव होने वाली है और ये डिवाइस डायरेक्टली कम्पीट करने वाला है Mi 11i के साथ, जो कि हमें 120 वोल्ट के फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ इंडिया के अंदर 6 जनवरी को लॉन्च होता हुआ देखने को मिलने वाला है। बट इंटरेस्टिंगली यहाँ पर फास्ट चार्जिंग के साथ यहाँ पर कोई भी कंपटीशन नहीं होने वाला है क्योंकि इस डिवाइस के अंदर आपको काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। इस डिवाइस के अंदर आपको Qualcomm Snapdragon 870 का पावरफुल चिपसेट देखने को मिलेगा जो कि अपर मिड रेंज सेगमेंट में ही देखने को मिला है। तो यहाँ पर आपको बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ही अच्छी प्राइस पॉइंट पे देखने को मिलने वाली है। उसके अलावा अगर हम बात करें इस डिवाइस के फास्ट चार्जिंग को लेकर, तो यहाँ पर फास्ट चार्जिंग में आपको 65 वोल्ट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा जो कि हमें Realme 7 सीरीज के समय में देखने को मिला था। अब उसके साथ ही बात करते हैं दोस्तों इस डिवाइस के रियर साइड के कैमरा और डिजाइन के बारे में। तो दोस्तों इस डिवाइस के अंदर हमें Realme GT सीरीज के जैसा ही एक बहुत ही सिमिलर डिजाइन देखने को मिलने वाला है जो कि बहुत ही बेहतरीन कलर वेरिएंट के साथ देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा अगर कैमरा क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर आपको 108 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को नहीं मिलने वाला है। इस डिवाइस के अंदर आपको 50 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा विथ OIS सपोर्ट। तो यहाँ पर आपको कैमरा की क्वालिटी काफी बेहतरीन देखने को मिलने वाली है। बट अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपको 108 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिले तो वो आपको Realme 9 Pro Plus के अंदर देखने को नहीं मिलेगा, वो आपको Realme 9 Pro के अंदर देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर कैमरा क्वालिटी जो होगी वो काफी शानदार देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा अगर हम बात करें इस डिवाइस के फ्रंट साइड के बारे में, तो यहाँ पर भी आपको एक बहुत ही बेहतरीन फीचर्स देखने को मिलेगा जो कि है 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। उसके अलावा आपको लेफ्ट कॉर्नर के अंदर एक पंचोल देखने को मिलेगा जिसमें कि आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर देखने को मिल जाएगा। डिस्प्ले की साइज आपको अप्रॉक्सीमेटली 6.5 इंचेस की देखने को मिल जाएगी। और उसके अलावा यहाँ पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है वो फ्रंट साइड में देखने को मिलेगा क्योंकि आपको इस डिवाइस के अंदर एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। और फाइनली बात करते हैं दोस्तों इसके बाद इस डिवाइस की प्राइसिंग को लेकर। तो दोस्तों यहाँ पर इस डिवाइस की प्राइसिंग थोड़ी सी एग्रेसिव इंडिया के अंदर देखने को मिलेगी और इस डिवाइस की जो स्टार्टिंग प्राइस है वो आपको 20,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये के बीच में देखने को मिल जाएगी और इसका जो मैक्स वेरिएंट होगा वो आपको अप्रॉक्सीमेटली 25,000 रुपीज से ऊपर देखने को मिल सकती है। और अब बात करते हैं इस डिवाइस के लॉन्च डेट की। तो दोस्तों इस डिवाइस को इंडिया के अंदर बहुत ही जल्द लॉन्च किया जाने वाला है और आप मान के चल सकते हैं कि आपको ये डिवाइस जो है वो जनवरी के लास्ट वीक या फिर फरवरी के फर्स्ट या सेकेंड वीक तक इंडिया के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो क्या आप इस डिवाइस को लेकर एक्साइटेड है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सो फाइनली आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफी अमेजिंग लगी होगी, तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपने इस छोटे भाई को भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो हम मिलेंगे आपसे एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइल, स्टे सेफ एंड हैव अ लवली डे।